इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी को आइंदा समाअत तक वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ के मौन खसूसी के तौर पर काम करने से रोक दिया। हनीफ अब्बासी आइंदा समाअत तक मौन खसूसी के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुजरिम है तो वो अवामी ओहदा नहीं रख सकता। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर मजीद मजबूत होकर डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक मंगल को ट्रेड सेशन के आगाज पर डॉलर की कदर में कदरे कमी देखी गई और रुपए के मुकाबले में 10 पैसे की कमी हुई, लेकिन चंद घंटों में ही डॉलर की कदर में एक बार फिर इजाफा हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में कार्रवाई के दौरान दो इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक हो गए और इनके कब्जा से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ का कौम से खिताब का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ के इत्तेहादी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद कौम से खिताब का हतमी फैसला होगा। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म कौम को मौशी और सियासी हालात पर एतमाद में लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 63 की तशरी के लिए दायर सदारती रेफरेंस की समाअत मुकम्मल कर ली है और फैसला आज शाम 5 बजे सुनाने का ऐलान किया है। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में गर्मी का 56 साल रिकॉर्ड टूट गया। भारतीय रियासतों में शदीद गर्मी की लहर जारी है। नई दिल्ली में पारा 49 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, जिससे गर्मी का 56 साल रिकॉर्ड टूट गया। 1966 के बाद रवां साल मई सबसे गर्म तरीन महीना करार दिया गया है।